थर्मामीटर भी 400 में ले रहे हैं, 400 में ले बस सही है। अच्छा थोड़ा क्लोज अप लेना है वो भी गया पीछे चेक कर। यार कुछ नहीं कह रहा ना, बैठ जाना बाइक पे, क्या कर रही है? मैं कितना इज्जत बात कर रहा हूँ यार, बात तो सुनना। कोई है? कोई नहीं है यहाँ पे, बस मैं ही हूँ। चलो नहीं यार, कोई है? यार कॉफी पीने चल, यार कॉफी पीने चल। यार इतनी सी बात बोल रहा हूँ, क्या तुझे खा तो नहीं दूंगा। पहली गलती तूने उस लड़की को छेड़ के की, दूसरी गलती तूने मेरी आंखों में आके डाल के की, तीसरी गलती गलती से मत करी वरना इधर गलती करने के काबिल नहीं रहेगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्या हम कल मिल सकते हैं? I'll get you a cup of coffee or something like that. आप पहले relax हो जाएं, for sure, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। My name is Aisha, by the way. Abdullah Shahid, nice to meet you. मिलते हैं कल. Yeah, कल मुलाकात होगी. Thank you so much. Thank you. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है टाइम की बहुत पाबंद है आप, जो टाइम डिसाइड हुआ था उससे पहले ही आ गई। टाइम की पाबंद नहीं हो, एक्चुअली अब्दुल्ला मिलने आ रहा था, वो भी मुझ जैसी नाचीज से, तो मैंने लेट होके गुनाहगार थोड़ी होना था। नाचीज ऑनेस्टली, जब मैंने पहली दफ़ा आपको देखा था ना, तो मुझे उस परसों की वाइब याद आ रही थी। खैर कोई लड़का आपको रेस्टोरेंट में अप्रोच करे तो आप तो उसे थप्पड़ ही मार देंगे। नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं आपको खुद इनवाइट करके लंच के लिए बुलाना चाह रही थी, आपने मेरी जान बचाई, वो भी अपनी जान पर खेल के। आई कांट थैंक यू इनफ फॉर दैट। अरे नो नीड टू से थैंक यू, बस ये समझ लें कि सही वक्त पर सही जगह था मैं, दैट्स इट। अच्छा वैसे उस दिन ना मैंने जब आपकी फिजिक देखी, आई वाज सो शॉक्ड, हाउ डू यू डू दैट, यू हैव सिक्स पैक्स, एब्स, बाइसेप्स, मुझसे तो दो दिन जिम नहीं जाया जाता। बस कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे जख्म दे जाती है जो भरते नहीं है, और वो इंसान की जिंदगी बदल देते हैं, और इसी तरह मुझे प्यार हुआ और मेरी जिंदगी बदल गई। मैं समझी नहीं। मुझे प्यार हुआ, मेरा दिल टूटा, और फिर मैंने ये जिद पकड़ ली कि जितना टाइम देना पड़े दूंगा, जितना खून पसीना बहाना पड़े पाऊंगा, लेकिन जिन लोगों ने मेरा दिल तोड़ा है ना, उनका हौसला जरूर तोड़ूंगा। हौसला? वैसे आपने कभी किसी का दिल तोड़ा? रिलैक्स आयशा, आप तो डर ही गई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। क्या हीरो जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अब आपको पता है कि ये रेस्टोरेंट मेरा बहुत फेवरेट है, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा आती थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस, आपने भी यही जगह चूज़ की है। अच्छा, बस मेरा भी कुछ अनोखा ताल्लुक है इस जगह के साथ। मेरा पहला प्यार, पहला दिल टूटना, पहली बेचैनी, पहले आंसू, एक एक जख्म की गवाहें हैं दीवारें। कहाँ से आते हैं अल्फाज? टूटा दिल लेकर भी मुस्कुराने वाले लोग अक्सर अपने अल्फाजों का सहारा लेते हैं। वाह क्या बात है। अच्छा चले ये सब छोड़े,
क्या खाएंगे? इट्स माय ट्रीट फॉर सेविंग माय लाइफ। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि मेरे एक दोस्त आता होगा और मैं चाहता हूँ कि आप उससे मिले, तो आई होप यू डोंट माइंड। या श्योर, आई डोंट माइंड, वी कैन वेट। या वी कैन वेट। क्या हाल है मेरे भाई, किधर गायब है तू भाई? इतने दिनों से ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई मेल्स। आयशा, आयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। क्या चल रहा है? सर, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। याद करो वो वक्त जब तुम्हें एक मोटे से लड़के ने प्यार की आस लेकर अप्रोच किया था। क्यों रहा है भाई? मुझे पसंद आ गई लड़की यार। तेरा दिमाग खराब हो गया? शक्ल देख अपनी हालत देख। क्या मतलब है यार, अगर वो प्यारी है तो मैं लॉयल नहीं हूँ? ऐसी बात कर रहे यार तू? तू जा रहा है बात करने? मैं क्यों जाऊंगा भाई, मुझे कोई जोक नहीं जलील होने। मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है? नहीं भाई, इस मामले में नहीं हूँ, जा खुद कर ले। मैं खुद जा रहा हूँ। ठीक है, जा। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। बोलो। मैं ये कहना चाहता था कि समझ नहीं आ रही कैसे बोलूं आपको। मुंह से बोलो। वो मैं मैं बता रहा, इससे नहीं बोलने होंगे, मुझे पता आप कुछ नहीं देखा और आपसे प्यार कर बैठा और आपको गर्लफ्रेंड बनना चाहता है। एक्सक्यूज मी, व्हाट? तुमने अपना पेट देखा है? ऐसे पेट वालों को तो मैं अपना नौकर भी नहीं रखती। अपनी औकात से ना बाहर लोगों के मुंह मत मारा करो, सारा मूड खराब कर दिया। आप प्लीज मेरी बात तो सुने प्लीज। देखो तुमने पूरी दुनिया के सामने उसको थप्पड़ मार के उसका तमाशा बना दिया, और तू दोस्ती का मतलब ही पता है तुझे? एक दिल फेंक लड़की जो सीने में छुपे दिल के एहसास को नजरअंदाज करके चमड़े के गिलाफ पे बिक जाती है, उस जैसी लड़की के लिए तूने दोस्ती जैसे पाक रिश्ते पे लात मारी थी? तो यान की बर्थडे थी यार, मैं कैसे भूल गया? शिट यार, एक तो तैयार हो जाते जल्दी से यार। बॉडी बिल्डर फ्रेंड के लिए प्रोटीन शेक से अच्छा क्या गिफ्ट हो सकता है यार? बहुत खुश होगा आज। चलो
तुमने अपना पेट देखा है? ये देख ली इसकी असलियत, और तुम औकात के ताने दिए थे ना मुझे, औकात जैसे छोटे अल्फाज तुम जैसों पे जचते हैं। मेरी एक लीग है, और इस लीग में आने का सोचोगी भी ना तो तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी कि आयशा इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। सोचा था कि तुम लोगों का हौसला तोड़ूंगा लेकिन बिलीव मी, तुम लोगों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम तो ऑलरेडी इतने टूटे हुए हो, तुम्हारा और क्या हौसला तोड़ूंगा। चलो बच्चों, अब मैं निकलता हूँ, ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।